today, and I hope you had learned your last lecture. The last lecture we had studied about the methods of problem solving, and we had discussed about the 9 step of problem solving, and we discussed 2 of them, which one is problem identification and the specify requirements. And today we discuss about analyze the problem. तो स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में आपने प्रॉब्लम सॉल्विंग के 2 मेथड्स के 2 स्टेप्स को पढ़ा था, जिसमें हमें प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन को पढ़ा था और स्पेसिफाई द रिक्वायरमेंट को पढ़ा था कि स्पेसिफाई द रिक्वायरमेंट क्या है और प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड क्या है. तो आज हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं टॉपिक एनालाइज द प्रॉब्लम. एनालाइज द प्रॉब्लम में क्या होता है? एनालाइज द प्रॉब्लम का मतलब ये होता है कि आप अपनी प्रॉब्लम को एनालाइज करें कि किस किस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है जी, जैसे आपको मैं एक छोटी सी एक एग्जांपल देता हूँ कि आपने चाय बनानी है, तो चाय बनाने के लिए आप किस किस तरह से उसको बना सकते हैं. देखिए, मेरे पास सॉल्यूशन क्या है, मेरे पास लिक्विड फॉर्म में दूध है, ठीक है, मेरे पास टी है, उसके अलावा मेरे पास आग है, और मेरे पास एक क्या कहते हैं केटली है, जिसके अंदर मैं बना के एक चाय बना सकता हूँ. इसी तरह मेरा इसका दूसरा सॉल्यूशन क्या है, दूसरा सॉल्यूशन यह है कि मेरे पास एक इलेक्ट्रिक जग है, इलेक्ट्रिक जग में मैं पानी गर्म करता हूँ, मेरे पास टी बैग है लिपिंग का, मैं उसमें वो डालता हूँ और दूध के 2 चम्मच डालता हूँ, ड्राई मिल्क, और उससे क्या होती है मेरी चाय बन जाती है. फिर ये क्या है, ये 2 तरह के तरीके हैं. मतलब अब मेरी प्रॉब्लम क्या थी, चाय बनाना. तो चाय बनाने के 2 मेथड में सामने नजर आए, 2 सॉल्यूशन नजर आए, उनमें से जो मुझे बेस्ट नजर आएगा वो मैं उसको अडॉप्ट कर लूंगा. सेम इसी तरह से जब भी आपके पास कोई प्रॉब्लम सामने आती है, तो उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए हमारे पास 1 से ज्यादा सॉल्यूशंस होते हैं. फिर हम उन सॉल्यूशंस में से जो बेस्ट वे होता है, बेस्ट सॉल्यूशन होता है, उसको हम लोग अडॉप्ट करते हैं और अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं. तो हम लोग पढ़ते हैं, एट दिस स्टेज द प्रॉब्लम इज डीकंपोज्ड इनटू सब प्रोग्राम. देखें, आपका एक प्रॉब्लम है बहुत बड़ी, जिसमें छोटे छोटे मॉड्यूल्स हैं. लाइक आपके पास आपने स्कूल सिस्टम बनाना है, स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम बनाना है. स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर देखें, पहला मॉड्यूल क्या होगा, स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन को आपने रिकॉर्ड रखना है. दूसरा मॉड्यूल क्या होगा, आपने स्कूल की स्टूडेंट की फीस का रिकॉर्ड रखना है. तीसरा मॉड्यूल क्या है, आपने टीचर की इंफॉर्मेशन रखनी है. चौथा मॉड्यूल क्या है, आपने एग्जाम की इंफॉर्मेशन रखनी है. पांचवा मॉड्यूल क्या है कि आपने कोर्सेज की इंफॉर्मेशन रखनी है, मतलब जो सब्जेक्ट्स हैं वो उनकी इंफॉर्मेशन रखनी है. छठा क्या है जी, आपने क्लासेस की इंफॉर्मेशन रखनी है. ठीक है, तो इस तरह से आपके पास मुख्तलिफ मॉड्यूल्स आ जाएंगे. अब ये पूरा का पूरा एक प्रॉब्लम क्या थी, स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम बनाना. तो मैंने क्या किया, मैंने उस स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम के छोटे छोटे मॉड्यूल्स बना दिए. मतलब मैंने क्लासेस की इंफॉर्मेशन को, क्लासेस की प्रॉब्लम को अलग कर दिया, फीस की प्रॉब्लम को अलग कर दिया, मैंने टीचर की इंफॉर्मेशन को अलग कर दिया, मैंने स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन को अलग कर दिया, मैंने क्लासेस की इंफॉर्मेशन को अलग कर दिया, मैंने कोर्सेज की इंफॉर्मेशन को अलग कर दिया. तो क्या किया मैंने, एक पूरे स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम को मैंने छोटे छोटे मॉड्यूल्स में ब्रेक कर दिया और छोटे छोटे मॉड्यूल्स में उसको तोड़ दिया. तो इसी को हम लोग सब प्रॉब्लम्स या सब प्रोग्राम्स बोलते हैं. ठीक है जी, रेदर ऑन कंसंट्रेटिंग द बिगर प्रॉब्लम एज अ होल वी ट्राई टू सॉल्व ईच सब प्रोग्राम सेपरेटली. ठीक है जी, उस कहता है कि जी बजाय इसके कि आप बड़ी प्रॉब्लम को एक ही दफ़ा सॉर्ट आउट करने की कोशिश करें, आप उनके छोटे छोटे प्रॉब्लम्स बना लें, छोटे छोटे मॉड्यूल्स बना लें, छोटे छोटे सब प्रॉब्लम्स बना लें, और उन सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें, और बाद में उन सब को इंटीग्रेट करके मिला दें और एक प्रोग्राम सॉफ्टवेयर बन जाएगा. दिस लीड्स टू अ सिंपल सॉल्यूशन. ठीक है, तो यही आपको एक सिंपल सॉल्यूशन की तरफ लेके जाता है. दिस टेक्निक इज नोन एज ए टॉप डाउन डिजाइन. मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है आपका ये टॉप डाउन डिजाइन. व्हाट डू यू नो अबाउट टॉप डाउन डिजाइन, व्हाट इज टॉप डाउन डिजाइन. इसका दूसरा नाम जो है उसको बोलते हैं डिवाइड एंड कंक्योर रूल. ठीक है, डिवाइड एंड कंक्योर रूल. ठीक है, इसमें क्या होता है
कि आप अपनी एक प्रॉब्लम को सब प्रॉब्लम में ब्रेक कर देते हैं, ताकि आप एक पूरे प्रॉब्लम के पूरे पूरी एक प्रॉब्लम की बजाय उनके छोटे छोटे हिस्सों को प्रॉब्लम को सॉल्व करें और आसानी से सॉल्व करें। इसी टेक्निक को हम लोग क्या बोलते हैं, टॉप डाउन डिज़ाइन या फिर डिवाइड एंड कंक्यूर रोल। ठीक है जी। Here we may ask certain questions to approach the right solution, that is, अब अगर आपने किसी प्रॉब्लम का राइट सोल्यूशन लेना है, अगर आपने किसी प्रॉब्लम का राइट सोल्यूशन लेना है, मतलब बिल्कुल करेक्ट उसका हल लेना है, हल निकालना है, तो उसके लिए कुछ क्वेश्चंस हैं, हम उन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या, हाउ मेनी सॉल्यूशंस आर देयर टू गिवन द प्रॉब्लम। आपके पास जो प्रॉब्लम है आपने ये देखना है कि उसके सॉल्यूशन कितने हैं। जैसे मैंने आपको अभी चाय की एग्जांपल दी थी स्टार्ट में, तो हमारे पास चाय की प्रॉब्लम के दो सॉल्यूशन थे, एक तो मैं ड्राई मिल्क से बना लूँ और एक मैं लिक्विड फॉर्म से बना लूँ। ठीक है जी। तो क्या है कि दो मेरे पास सॉल्यूशन सामने आ गए। तो आपने भी अभी देखा है कि आपकी जो सामने प्रॉब्लम आ रही है उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस कितने हैं आपके पास। ठीक है जी। क्योंकि एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बहुत से तरीके होते हैं। अच्छा, सेकंड वाली, विच वन इज द बेस्ट सॉल्यूशन। अब आपने उन दोनों में से देखना है कि जो भी आपने सॉल्यूशन रखे हैं उस प्रॉब्लम के, उनमें से देखना है कि जो बेस्ट क्या है। अब देखें, मैं अगर बात करूँ तो मैं अगर ऑफिस में हूँ तो ऑफिस में मेरे लिए बेस्ट यही है कि मैं एक इलेक्ट्रिक जग रखूँ, टी बैग्स रखूँ, ड्राई मिल्क रखूँ, एक चम्मच रखूँ, एक कप रखूँ और मेरे पास चाय बन जाएगी, मेरे यानी कि जल्दी हो जाएगी और मेरे ऑफिस में ज़्यादा गंद भी नहीं बचेगा, ना मुझे सिलेंडर की ज़रूरत होगी गैस की, ना आग की ज़रूरत होगी, ना ही किसी केटली की ज़रूरत होगी, ना ही किसी और चीज़ की ज़रूरत होगी। ठीक है। तो क्या है कि इस तरह से मेरे, अगर मैं ऑफिस में हूँ तो मेरे लिए बेस्ट सोल्यूशन क्या है कि मैं ड्राई मिल्क से, टी बैग से उस चाय को बना लूँ इलेक्ट्रिक जग के जरिए। ठीक है जी। तो थर्ड वन इज, कैन द प्रॉब्लम बी सॉल्व्ड ऑन कंप्यूटर। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आपने ये देखना है कि क्या जो हमारे पास सामने प्रॉब्लम आई है, क्या हम इस प्रॉब्लम को कंप्यूटर पर सॉल्व कर सकते हैं या नहीं। हो ना हो कोई ऐसी प्रॉब्लम हो जिसको आप कंप्यूटर पर सॉल्व ना कर सकते हो लेकिन आप कंप्यूटर पर सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो। जैसे चाय है, चाय बनानी है तो आप उसको कहें कि नहीं कंप्यूटर पर बनाते हैं, कंप्यूटर पर चाय तो नहीं बनेगी। ठीक है। तो ऐसा है कि आपने ये देखना है कि जो हमारे पास प्रॉब्लम आई है, क्या उस प्रॉब्लम को हम कंप्यूटर पर सॉल्व कर सकते हैं या नहीं कर सकते। फोर्थ वन इज, व्हाट आर द इनपुट्स एंड आउटपुट्स। चौथी चीज ये है कि आपने इनपुट क्या देनी है और आपकी आउटपुट क्या आनी है, ये आपको पता होना चाहिए, ये आपने एनालाइज करना है। जैसे आप देखें, मैं इलेक्ट्रिक जग, हॉट वाटर, टी बैग और ड्राई मिल्क और शुगर, इन चार चीज़ों की इनपुट डाल रहा हूँ एक कप के अंदर। इनपुट डालूंगा ना, जैसे मैंने एक कप पकड़ा, कप के अंदर मैंने हॉट वाटर डाल दिया, इनपुट डाल दी, फिर इसी तरह मैंने ड्राई मिल्क डाला, इनपुट डाल दी, फिर शुगर डाली, इनपुट डाल दी, फिर इसी तरह टी बैग डाला, इनपुट डाल दिया, मेरे पास आउटपुट क्या आएगी, सोचे जरा जी। तो मेरे पास आउटपुट क्या आएगी, एक चाय का कप। ठीक है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं कि हमने अपनी प्रॉब्लम के अंदर देखना है, हमने एनालाइज के अंदर देखना है, एनालाइज स्टेप के अंदर, कि हमारे पास प्रॉब्लम है क्या, उसकी इनपुट्स क्या हैं और उसकी इनपुट्स के जरिए आउटपुट क्या आएगी। फिर पांचवा जो, हाउ कैन द बिगर प्रॉब्लम बी डिवाइडेड इनटू सब प्रॉब्लम्स। फिर आपने ये देखना है कि कितनी बड़ी प्रॉब्लम है जिसको हमने छोटे प्रॉब्लम्स में सॉल्व करना है, तोड़ना है, कि मतलब कितने सब प्रॉब्लम्स उसके मजीद बन सकते हैं। तो यही आपके पास एनालाइज द प्रॉब्लम है, कि एनालाइज द प्रॉब्लम में आप प्रॉब्लम को एनालाइज करते हैं पांचवे के साथ, कि हाउ मेनी सॉल्यूशंस आर देयर, कितने सॉल्यूशंस हैं, फिर हम लोग देखते हैं उनमें से बेस्ट सॉल्यूशन कौन सा है, फिर हम लोग देखते हैं क्या इस सॉल्यूशन का, इस प्रॉब्लम को हम कंप्यूटर पे सॉल्व कर सकते हैं, फिर देखते हैं कि इसके लिए इनपुट्स और आउटपुट कौन कौन सी हैं, फिर इसके लिए देखते हैं कि कितनी बड़ी प्रॉब्लम है और उसको कितने सब प्रॉब्लम्स डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास है जी, डिज़ाइन एल्गोरिदम एंड ड्रॉ फ्लो चार्ट। ठीक है जी। इसको हम लोग जस्ट थोड़ा सा ही आज पढ़ेंगे, बाकी कंप्लीट इसको इंशाल्लाह कल करेंगे। डिजाइनिंग द एल्गोरिदम रिक्वायर्ड टू डिवेलप अ फाइनाइट लिस्ट ऑफ स्टेप्स टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। देखें जी, आपके पास फाइनाइट का मतलब तो महदूद, मतलब एक नंबर, एक हद तक। ठीक है जी। अब क्या है
कि आपके पास फाइनाइट स्टेप्स ऑफ स्टेप्स हैं किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के। जैसे चाय बनानी है तो चाय बनाने का पहला स्टेप क्या है, केतली ली, उसको चूल्हे पे चढ़ा दिया। दूसरा स्टेप क्या है, उसमें थोड़ा सा दूध डाल दिया। तीसरा स्टेप क्या है, उसमें चाय डाल ली। चौथा स्टेप क्या है, उसमें चीनी डाल ली। पांचवा स्टेप क्या है, उसमें उसको उबल बॉयल होने तक उसको थोड़ा सा पकाना। और छठे स्टेप में क्या होती है, आपको आउटपुट मिल जाती है आपकी चाय। आगे हम लोग देखेंगे, आगे हमारे पास एक एल्गोरिदम होगा चाय बनाने का, केक बनाने का एल्गोरिदम होगा, हमारे पास चाय बनाने का एल्गोरिदम होगा। क्या है कि एल्गोरिदम क्या होता है, एल्गोरिदम एक आपको आम जुबान में बताऊं तो स्टेप बाय स्टेप टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, ठीक है जी, के मुख्तलिफ स्टेप्स जिन स्टेप्स के जरिए हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं उसको हम लोग एल्गोरिदम बोलते हैं। इट इज देन वेरीफाइड दैट वेदर द एल्गोरिदम सॉल्व्स द प्रॉब्लम एज इंटेंडेड और नॉट। तो फिर हम लोग देखते हैं क्या हम इस एल्गोरिदम के जरिए उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं या नहीं कर सकते। राइटिंग एल्गोरिदम इज ऑफन द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस। कंप्यूटर के अंदर याद रखिएगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग जब कर रहे होते हैं लोग तो एल्गोरिदम जो स्टेप होता है ये सबसे मुश्किल पार्ट होता है। अगर आप एल्गोरिदम लिख लेते हैं तो आपके लिए प्रोग्राम बनाना या प्रॉब्लम को सॉल्व करना बिल्कुल इंतहाई आसान हो जाता है, बिल्कुल आसान हो जाता है। मोस्ट कंप्यूटर एल्गोरिदम्स परफॉर्म एट लीस्ट फॉलोइंग थ्री स्टेप्स। तो जितने भी एल्गोरिदम्स बनते हैं उनमें से ज़्यादातर जो मोस्टली 90% 99% जो एल्गोरिदम्स होते हैं वो इन तीन स्टेप्स के ऊपर तीन स्टेप से गुजरती है। सबसे पहले गेट डेटा इनपुट, आपने इनपुट क्या देनी है। उसके बाद परफॉर्म कंप्यूटेशन प्रोसेसिंग, उस इनपुट के ऊपर आपने प्रोसेसिंग क्या करनी है। और तीसरे स्टेप में डिस्प्ले रिजल्ट, उसकी आउटपुट क्या आएगी आफ्टर कंप्यूटेशन आफ्टर प्रोसेसिंग, ठीक है जी। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिजाइन एंड एल्गोरिदम, ठीक है जी। नेक्स्ट है जी, वंस द एल्गोरिदम हैज बीन डिजाइंड इट शुड बी वेरीफाइड थ्रू दिस चेकिंग। देखें जी, जब हम लोग एल्गोरिदम बना लेते हैं तो एल्गोरिदम बनाने के बाद उसको हमने चेक भी तो करना ना कि क्या ये एल्गोरिदम ठीक है या नहीं। क्या हमने अगर एक एल्गोरिदम बनाया है दो नंबर्स को ऐड करने का, और हमने जो एल्गोरिदम बनाया है क्या उस नंबर को ऐड करने से आंसर ठीक आता है, मतलब हमने दो में पाँच जमा किया तो सात ही आंसर आता है, वो ना हो कि तीन आंसर आता हो, हम लोग माइनस कर रहे हो एल्गोरिदम के अंदर। तो यही हमने चेक करना है कि क्या हमने जो एल्गोरिदम लिखा है वो एल्गोरिदम करेक्ट है। This checking is an important part of algorithm design that is often overlooked. ठीक है, overlook मतलब वो आपके जो algorithm है उसको वो एक दफा read out कर रहा होता है, उसको देख रहा होता है क्या इसमें कोई गलती तो नहीं है। To disk checking an algorithm, we must carefully perform each algorithm steps just as a computer would do and verify that the algorithm works as desired. जैसे मैंने आपको बता दिया कि हमने अगर दो numbers को add करने का algorithm लिखा है तो हमेशा वो दो number को add ही करे, ये ना हो कि एक दफा उसने ऐड कर दिया दूसरी दफा वो माइनस कर रहा हो या पहली दफा ही वो माइनस कर रहा हो। तो हमारी जो डिजायर्ड है ऐड करने की नंबर्स को वो ऐड ही होनी चाहिए। जैसे हम लोग चाय की एग्जांपल ले रहे हैं तो हमने अगर चाय बनानी तो ये चाय ही हमारे पास आउटपुट में आए, वो ना हो कि हम लोग इनपुट्स कुछ और दे रहे हैं तो हमारे पास चाय के बजाय कुछ और आ रहा हो सामने, ठीक है जी। द टाइम एंड एफर्ट कैन बी सेव्ड बाय लोकेटिंग एंड रेक्टिफाइंग एल्गोरिदम एरर्स एट दिस स्टेज। तो इस स्टेज के ऊपर क्या होता है, डिस्क चेकिंग के ऊपर ये होता है कि हमारे पास टाइम सेविंग हो जाती है, हमारे पास एफर्ट सेविंग हो जाती है। मतलब अगर आपने एक एल्गोरिथम लिखा दो नंबर्स को ऐड करने का, आपने गलत लिख दिया, मतलब जहाँ पे जमा करना था वहाँ पे आपने माइनस कर दिया। आप जो प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, उसका सॉफ्टवेयर बनाएंगे, उसकी कोडिंग करेंगे, तो कोडिंग करने में हमारा टाइम लगा, हमारा कुछ टाइम लगेगा, टाइम कंज्यूम होगा, हमारी एफर्ट लगेगी। हमने सॉफ्टवेयर बना दिया, सॉफ्टवेयर बनाने के बाद जब उसको चलाया तो पाँच में दो जमा किया तो वो सात की बजाय तीन आंसर दे रहा था, ठीक है। तो क्या है कि हमारे पास टाइम कंज्यूमिंग भी हो गया, हमारी जो एफर्ट थी वो भी ज़ाया होगी। तो फिर दोबारा से एल्गोरिदम स्टेप पे आना पड़ेगा और एल्गोरिदम दोबारा से देखना पड़ेगा, उसको एल्गोरिदम को देख के फिर सेट करना पड़ेगा, फिर चलाना पड़ेगा। इसलिए डिस्क चेकिंग का एक प्रोसेस होता है, एक स्टेप होता है जिसके अंदर हम लोग देखते हैं कि क्या हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो हमारा जो एल्गोरिदम है वो करेक्ट वर्किंग कर रहा है या नहीं कर रहा, ठीक है जी। तो इसी यहाँ तक कि बल्कि आगे पढ़ ही लेते हैं इसको। अ प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन टू द कंप्यूटर टू सॉल्व अ पार्टिकुलर प्रॉब्लम, इट इज रिटन इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है जी। प्रोग्राम के बारे में हमने शायद 9th क्लास में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। प्रोग्राम होता क्या है, प्रोग्राम क्या होता है, कुछ इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो हम लोग कंप्यूटर को देते हैं कि ये इसके इन इंस्ट्रक्शन के मुताबिक हमें काम करके दो।
या इसको आप आसान लफ्जों में देखें तो इंस्ट्रक्शंस कहती है अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, कि किसी एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो हम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस देते हैं कंप्यूटर को, उसको हम लोग बोलते हैं ये क्या है, हमारे पास प्रोग्राम है। और इसको हम लोग किसमें, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में लिखा जाता है। आपने 9th क्लास में नंबर सिस्टम वगैरह पढ़ा होगा, उसमें हमने पढ़ा था कि कंप्यूटर सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज को समझता है, किसी और लैंग्वेज को नहीं समझता। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ह्यूमन क्लोज टू ह्यूमन लैंग्वेज होती है, कि ह्यूमन आसानी से लिख लेता है। जैसे इफ ए इज इक्वल टू 5 देन प्रिंट ए इज a is equal to 5, ठीक है। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, कुछ प्रोग्रामिंग कोड्स लिखते हैं, तो इस तरह से हमारे पास एक प्रोग्राम राइट हो जाता है। डिस्क चेकिंग इज द प्रोसेस ऑफ केयरफुली ऑब्जर्विंग द वर्किंग ऑफ एन एल्गोरिथम और ऑन द पेपर फॉर सम टेस्ट डेटा। एल्गोरिथम इज प्रोवाइडेड अ वेरिएबल सेट ऑफ इनपुट फॉर विच द आउटपुट इज एग्जामिन्ड। तो डिस्क चेकिंग की एक तारीफ है, यहाँ पे डेफिनेशन दी हुई है कि डिस्क चेकिंग क्या है। डिस्क चेकिंग एक प्रोसेस है जिसमें हम लोग एल्गोरिथम को बहुत ज्यादा ऑब्जर्व करते हैं, केयरफुली ऑब्जर्व करते हैं, एहतियात से ऑब्जर्व करते हैं, पेपर के ऊपर लिख कर कि क्या पेपर के ऊपर इसका आंसर सही आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है जी। तो इसी के अंदर हम लोग डाटा को भी टेस्ट करते हैं, फिर हमने इनपुट्स को टेस्ट करते हैं कि जो हमने वेरिएबल्स लिए हैं उन वेरिएबल्स के मुताबिक हमारी इनपुट के लिए आउटपुट हमारी करेक्ट आ रही है या नहीं। तो यही हमारे पास क्या होता है, डिज़ाइन एंड एल्गोरिथम, ठीक है जी। तो कल हम लोग इंशाल्लाह इसका सेकंड पार्ट पढ़ेंगे जो क्या है, ड्राफ्ट फ्लो चार्ट। जब हम लोग एल्गोरिथम बना लेते हैं तो हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है फ्लो, उसी एल्गोरिथम का फ्लो चार्ट बनाना। तो आज के लिए इतना ही, आप इसको अच्छी तरह से याद करिएगा, इसको प्रिपेयर करिएगा, इसमें से कुछ क्वेश्चंस अपने तरफ से बनाने की कोशिश करिएगा और उन क्वेश्चंस को याद करिएगा। जैसे यहाँ पे एक टॉप डाउन डिज़ाइन क्या है, फिर कौन कौन सी कौन कौन से क्वेश्चंस हैं, कौन कौन सी अप्रोचेज हैं टू सॉल्व टू एनालाइज द प्रॉब्लम, फिर डिज़ाइन एंड एल्गोरिथम, एल्गोरिथम होता क्या है, एल्गोरिथम में कितने स्टेप्स मौजूद होते हैं, फिर डिस्क चेकिंग क्या है, आप प्रोग्राम क्या है, डिस्क चेकिंग की तारीफ क्या है, ये सारे के सारे शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो आप इन इन दो टॉपिक्स में पढ़ेंगे। तो होपफुली आपको समझ आ गई होगी। तो किसी चीज़ की समझ ना आए तो नीचे कमेंट करें, आई विल गाइड यू फर्दर इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।